ये डाउनलोड होने में भी टाइम ले रहा है। एक काम करते हैं हम लोग, ये वाली मेथड छोड़ते। तो ये इसमें क्या करने वाला था मैं, वो जो की था मेरा, क्या कौन सा की, ये जो पेम डॉट की था, ये मैं डाउनलोड करने वाला था यहाँ पे मेरे होम डायरेक्टरी में। मैं उसको डाउनलोड करने वाला था, और डाउनलोड करने के बाद में मैं क्या करने वाला था, ये वाली जो प्रोसेस है, ये वाली प्रोसेस करने वाला था। क्या करने वाला था, ये देखो, ये की डाउनलोड की करने वाला था। की को फिर मैं chmod 400 से उसका परमिशन चेंज करके, उसके बाद मैं SSH-I और ये की लेता था, और ये जो प्राइवेट आईपी है वो यहाँ पे यूजर नेम डालने के बाद ये प्राइवेट आईपी में डालता था, या फिर पब्लिक आईपी भी डालता था मैं, तो फिर ये मेरा कमांड, मैं उस मशीन पे कनेक्ट हो जाता था। बट दिस इज अ मैनुअल प्रोसेस, मुझे हर बार की डाउनलोड करके अटैच करके काम करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो व्हाट यू कैन डू, आप पुट्टी पे आप जाओगे, यहाँ पुट्टी में ये पेज एजेंट करके एक सर्विस है, एक सी आप ये डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद में आप यहाँ जा जाओ, पेज एजेंट पे आ जाओ। ऑलरेडी रनिंग, ऑलरेडी रनिंग है, रनिंग है मेरा पेज एजेंट। यहाँ पे आप की को ऐड करो, कौन से, प्राइवेट की को। ये मैंने ऐड कर दिया, ओके, इसको क्लोज कर दो। उसके बाद ये जो सेशन मैंने लिया है, ये मुझे एक्सिट करना है और वापस कनेक्ट करना पड़ेगा सेम सेशन। ये मेरा पब्लिक मशीन है, ये मुझे लोड करना है। उसके बाद मुझे SSH auth में जाके यहाँ एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अलाउ एजेंट फॉरवर्डिंग। तो ये क्या करेगा अभी पुट्टी, जब प्राइवेट मशीन को लॉगिन करेगा तो सेम जो के फाइल है वो उसको फॉरवर्ड करके मेरा जो प्राइवेट मशीन है उससे लॉगिन करेगा। अभी मैं ये ओपन करता हूँ, ठीक है, ये मैं आ गया मेरे पब्लिक मशीन पे। मुझे प्राइवेट मशीन पे जाना है, मैंने डायरेक्टली लॉग इन ले लिया। तो ये प्रोसेस आप यूज कर सकते हो जब आपका ह्यूज एनवायरमेंट आके थाउजेंड्स मशीन है, तो थाउजेंड्स मशीन में से आपके 999 मशीन आप आपके प्राइवेट में रखो, सिर्फ एक मशीन आप प्राइवेट पब्लिक में रखो, और वो पब्लिक मशीन को आप एज अ जंप होस्ट, एज अ बैशिन होस्ट, या फिर डैट होस्ट आप उसको बोल सकते हो, वो आप कॉन्फ़िगर करो, और वो मशीन के थ्रू ही आप प्राइवेट मशीन्स में लॉगिन करो। बिकॉज हर मशीन पब्लिक नेटवर्क में रखना इज नॉट गुड, सिक्योरिटी के हिसाब से वो बिल्कुल सही नहीं है। आप एक मशीन पब्लिक में रखो और उसके थ्रू आप आपके प्राइवेट मशीन्स को कनेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज हाउ वी क्रिएटेड अ पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट, और सबनेट के अंदर में हम लोगों ने दो मशीन रखे, एक को प्राइवेट में रखा, एक को पब्लिक में रखा, फिर हम लोगों ने पब्लिक कनेक्ट किया, पब्लिक मशीन कनेक्ट करके फिर हम लोगों ने प्राइवेट मशीन को कनेक्ट किया। ठीक है गाइस, समझ में आया यहाँ तक? ओके, बिकॉज़ जब हम लोग पब्लिक आईपी पे, हेलो, जब हम लोगों ने पब्लिक आईपी से जो वीएम पे लॉगिन किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने एसएसएच लेके उसको प्राइवेट आईपी से दूसरे वीएम को कनेक्ट किया, राइट? सो फिर वो दोनों एक ही वीपीसी में है, इसके वजह से हम लोगों ने जो उसके ऊपर पास किया है सबनेट, उसके वजह से हम लोग कनेक्ट कर पाए, राइट? ओके ओके, ये ओके, मतलब दोनों भी अगर ये दूसरे वीपीसी में होता तो वो कनेक्ट नहीं होते जब तक कि मैं वीपीसी पियरिंग नहीं करता। ओके, सो दैट इज द मेन पॉइंट। वीपीसी इज अ काइंड ऑफ, जैसे कि एक मेरा ऑफिस मुंबई में है और दूसरा ऑफिस मेरा चेन्नई में है, ठीक है? तो मेरा मुंबई वाला यूजर चेन्नई को कनेक्ट कर पाएगा क्या? डायरेक्टली नहीं कर पाएगा जब तक कि मैं दोनों में वीपीएन या फिर टनल क्रिएट नहीं करूं, राइट? दोनों के नेटवर्क अलग अलग होंगे, दोनों का सब जो ये रहेगा अलग अलग रहेगा। वीपीसी वैसा ही है, वीपीसी एक आपका ऑफिस का नेटवर्क है और उसके अंदर आपका यूजर ये मशीन है, वो मशीन के अंदर में जो एनवायरनमेंट है उसको एक्सेस कर पाएगा। वो चेन्नई वाले एनवायरनमेंट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक आप वो दोनों के बीच में टनल नहीं बनाओगे। ओके, ठीक है,
बट फिर ये जो पब्लिक इंस्टेंस है उसको भी प्राइवेट आईपी ऑलरेडी असाइन हुआ रहे बिकॉज सॉरी अभी हम लोगों ने जो पहला पब्लिक इंस्टेंस बनाया ओके वो एक वीपीसी में बनाया राइट वो भी सेम वीपीसी में जो अलग प्राइवेट इंस्टेंस बनाया हम लोगों ने राइट वो भी सेम वीपीसी में बट वो दोनों अलग अलग सबनेट में हम लोगों ने हमारे नेटवर्क को डिजिटली लॉजिकली डिवाइड किया ठीक है अगर हम सबनेटिंग करते इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं हम दो मशीन जो हमारा सेम नेटवर्क में है उसको डिवाइड कर रहे हैं क्या होता है जो वीपीसी हम लोग बनाते हैं या फिर हमारा अगर हम लोग ट्रेडिशनल नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल नेटवर्क में क्या होता है एक मेरा राउटर होता है वो राउटर में मेरे सारे मशीन को आईपी देते हैं और वो सारे मशीन नेटवर्क में आते हैं तो क्या होता है हर एक मशीन हर एक डिवाइस नेटवर्किंग डिवाइस ब्रॉडकास्ट करता है खुद को और क्या करता है वो खुद को मैसेज भेजता रहता है दूसरे डिवाइसेस को कि मैं अलाइव हूँ मेरे नेटवर्क में वो ब्रॉडकास्ट जनरेट होता रहता है तो अननेसेसरीली ये ब्रॉडकास्ट होता है एक मशीन हजार मशीन को अपनी इन्फॉर्मेशन देता है और इस तरीके से हजार मशीन खुद की इन्फॉर्मेशन सारे मशीन को भेजते रहते हैं कि मैं नेटवर्क में अलाइव हूँ तो क्या होता है उस केस में हम लोग सबनेटिंग कर देते हैं सबनेटिंग करने के बाद में क्या होता है जो ग्रुप है जैसे डिपार्टमेंट है अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे एचआर डिपार्टमेंट को डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है या फिर एचआर डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज दे आर सेपरेट डिपार्टमेंट है दे आर आइसोलेटेड एचआर डिपार्टमेंट अपने ही डिपार्टमेंट के मशीन को एक्सेस करेगा डेटा को एक्सेस करेगा उसको मार्केटिंग वाले डेटा से कोई मीनिंग ही नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं उसको लॉजिकली डिवाइड कर देते हैं टू सबनेट्स में तो क्या होगा जब नेटवर्क डिवाइड हो जाएगा तो ब्रॉडकास्ट जो होगा वो भी कम हो जाएगा तो उसके वजह से जो नेटवर्किंग हमको मिलेगी वो एकदम फाइन एंड ट्यून मिलेगी तो ये सबनेटिंग का फंडा है इसमें हम लोग सबनेटिंग करते हैं अभी आपने जो मशीन देखा ये दोनों मशीन अलग अलग सबनेट में They can talk to each other, but जो broadcasting होगी वो divide हो जाएगी. Just because of we have allowed VPC peering, that's why those both subnets are can communicate with each other on request based, right? और जो VPC peering वाला फंडा आता है, that is for different VPC. मतलब कि दो अलग-अलग VPCs के बीच में connection करना है, तो मैं VPC peering करूँगा और फिर जैसे मेरा मुंबई वाला मशीन है वो अगर चेन्नई से बात करना चाहता है तो मैं पियरिंग कर देता हूँ वीपीसी पियरिंग कर देता हूँ तो मेरे दोनों मशीन एक दूसरे जैसे कि ये मुंबई रीजन है मुंबई रीजन मेरे नॉर्थ वर्जीनिया वाले ऑफिस से कनेक्ट करता है तो मैं जब पियरिंग कर दूंगा तो वो कनेक्ट कर पाएगा अदरवाइज वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा ठीक है ओके तो वीपीसी क्या करता है टू डिफरेंट रीजन को डिवाइड करता है और सबनेट क्या करता है एक रीजन के अंदर में जो वीपीसी है उसको अगेन डिवाइड कर देता है ओके मतलब टू वीपीसी में मल्टीपल सबनेट्स रह सकते हैं राइट क्लियर क्लियर ठीक है क्लियर ना एनी अदर डाउट्स Shall I move to another PP, another slide? Yes. Okay. So, we have learned demo launching EC2 instances. Now, next slide is key pair. Again, we are in key pair. So, what is key pair? So, kya hota hai? Isko key pair kyun bolte? Because they are the pair of two key. Two key matlab private and public. So, ye do key hote hai, isliye isko bolte hai key pair. Okay. प्राइवेट की क्या होता है पब्लिक की क्या होती है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी यूज अ पब्लिक की टू एनक्रिप्ट अ पीस ऑफ डेटा एंड देन रेसिपिएंट यूज अ प्राइवेट की टू डिक्रिप्ट अ डेटा तो पब्लिक की क्या करती है एनक्रिप्ट कर देती है जो टेक्स्ट है जो डेटा यहाँ से वहाँ ट्रैवल हो रहा है उसको पब्लिक की एनक्रिप्ट कर देती है और जो प्राइवेट की होती है ये प्राइवेट की उसको डिक्रिप्ट कर देती है एनक्रिप्ट करने का मतलब है उसको जो सिंपल टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट करके साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना मतलब कुछ ऐसे कोड्स में उसको कन्वर्ट कर देना जो इजीली अंडरस्टैंड ना कर पाए कोई तो पब्लिक की वो काम करती है और प्राइवेट की उसको डिक्रिप्ट कर देती है मतलब कोड से उसको अगेन सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देती है तो ये दो तरह के कीज होते हैं और ये जो दो तरह के कीज वाला जो कंसेप्ट है उसको बोलते हैं असिमेट्रिक एनक्रिप्शन असिमेट्रिक एनक्रिप्शन में क्या होता है दो की
दो की होती है, एक पब्लिक और प्राइवेट। इसका एक और टाइप है, असिमेट्रिक का एक और जो अनदर टाइप है वो है सिमेट्रिक एनक्रिप्शन। सिमेट्रिक एनक्रिप्शन में क्या होता है, एक ही की होती है, एक ही की से वो इनक्रिप्ट होगा और एक ही की से वो डिक्रिप्ट होगा, ठीक है। बट हम लोग बट यहाँ पे जो लिनक्स मशीन, किसी मशीन को कनेक्ट करने के लिए असिमेट्रिक इनक्रिप्शन मेथड यूज करता है, तो उसमें एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है। तो पब्लिक की जो होगी वो कहाँ पे होगी, वो मशीन में इंस्टॉल्ड रहेगी, और जो प्राइवेट की रहेगी वो आपके पास रहेगी हमेशा। प्राइवेट की आपके पास रहती है, पब्लिक की मशीन में स्टोर्ड रहती है। व्हाई पब्लिक की स्टोर्ड इन द मशीन, क्योंकि जैसे तेजस मशीन को कनेक्ट कर रहा है, नीतीश मशीन को कनेक्ट कर रहा है, मनीष भी सेम मशीन को कनेक्ट कर रहा है, तिरुपति भी सेम मशीन को कनेक्ट कर रहा है, तो सारे यूजर सेम मशीन को कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मशीन के पास में एक पब्लिक की रहती है और वो चारों यूजर्स को उसकी अलग अलग प्राइवेट की दे देता है। तो नीतीश जो होगा वो अपने प्राइवेट की से उस पब्लिक की को अनलॉक करेगा, तेजस अपने प्राइवेट की से पब्लिक की को अनलॉक करेगा, मनीष भी सेम करेगा और तिरुपति भी सेम, मतलब अलग प्राइवेट की से सेम पब्लिक की को अनलॉक करेगा। तो ये इसलिए जो मशीन में स्टोर्ड रहने वाली जो की होती है वो पब्लिक की होगी। वो कहाँ पे स्टोर्ड रहती है, तो वो होती है .ssh डायरेक्टरी जो मैंने आपको दिखाया, उसके अंदर ऑथराइज की करके एक फाइल होती है, उसके अंदर में पब्लिक की स्टोर्ड रहती है, ठीक है। और विंडोज मशीन जो बनती है हमारी यहाँ पे, विंडोज मशीन में भी सेम प्रोसेस होता है, उसके अंदर भी पब्लिक ये जो की होती है कि वहाँ पे जनरेट होती है, और वो की को अगेन एनक्रिप्ट करके एक पासवर्ड जनरेट होता है, और फिर वो पासवर्ड के थ्रू हम लोग विंडोज मशीन में कनेक्ट होते हैं। तो ये था की पेयर, समझ में आया होगा क्या होता है की पेयर। तो हम लोग नंबर ऑफ की पेयर बना सकते हैं, हर एक अलग अलग मशीन्स के लिए हम लोग नंबर ऑफ की पेयर बना सकते हैं, या फिर सेम की पेयर हम लोग नंबर ऑफ मशीन्स के लिए यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मूव इन टू अभी इलास्टिक आईपी एड्रेस। तो इलास्टिक आईपी एड्रेस क्या होता है, इट्स एन आईपी एड्रेस इज अ पब्लिक IPv4। तो इलास्टिक आईपी एड्रेस क्या होता है, ये पब्लिक IPv4 एड्रेस होता है विच इज रिचेबल फ्रॉम द इंटरनेट। इंटरनेट से मशीन को कनेक्ट करने के लिए जो अभी हम लोगों ने पब्लिक आईपी यूज किया, दैट पब्लिक आईपी इज कॉल्ड इलास्टिक आईपी। इफ योर इंस्टेंस डज नॉट हैव अ पब्लिक आईपी एड्रेस, यू कैन एसोसिएट एन इलास्टिक आईपी एड्रेस विद योर इंस्टेंस टू इनेबल कम्युनिकेशन विद द इंटरनेट। अगर आपके मशीन में पब्लिक आईपी नहीं है, उस मशीन को पब्लिक आईपी असाइन नहीं हुआ है, तो ये इलास्टिक आईपी एक अलग से आप पब्लिक आईपी खरीद के उस मशीन पे असाइन करके उसको आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिस अलाउ यू टू कनेक्ट टू योर इंस्टेंस फ्रॉम योर लोकल कंप्यूटर, जैसे मैं ये मेरा लोकल कंप्यूटर इसके थ्रू में कनेक्ट कर रहा हूँ, तो उस तरीके से। अब ये होता कहाँ पे, लेट मी शो यू। तो यहाँ पे आप जाओ, ये आपका सेक्शन है, ये वाले मशीन को यहाँ पे पब्लिक आईपी मिला हुआ है, और ये वाला जो मशीन है MyEC2 इसको भी पब्लिक आईपी मिला हो। लेकिन क्या होगा, जब इस मशीन को मैं स्टॉप करूंगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है इंस्टेंस स्टेट स्टॉप करूंगा, तो ये वाला जो मेरा पब्लिक आईपी है ये चेंज हो जाएगा, हर बार चेंज हो जाएगा। ये क्यों चेंज होगा ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये क्यों चेंज होता है। ये हर बार चेंज हो जाएगा, सपोज आपने इस मशीन के अंदर में आपकी वेबसाइट होस्ट करके रखी हुई है, आपने इसको किसी कारण से स्टॉप किया और वापस स्टार्ट किया, तो इसका तो पब्लिक आईपी चेंज हो गया। तो जो आपने यूजर को दिया हुआ था पब्लिक आईपी, वो तो हर बार चेंज हो रहा है, तो वो तो वेबसाइट को कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, उस केस में हम लोग एक इलास्टिक आईपी एक सर्विस होती है, इलास्टिक आईपी से एक आईपी आप परचेस करोगे, वो वाला जो आईपी एड्रेस है वो आप उस मशीन को असाइन कर दोगे, और यही वाला आईपी आप उस यूजर को दे दोगे। तो क्या होगा, जब भी मशीन रिस्टार्ट होगा या शटडाउन होगा, कुछ भी होगा, तो ये वाला जो आईपी है उसको हमेशा असाइन रहेगा, तो उसका पब्लिक आईपी कभी चेंज होगा नहीं। बट दिस इज अगेन चार्जेबल सर्विस, इसके लिए आपको पे करना पड़ता है। तो ये आप एक सर्विस यूज कर सकते हो, आपको परसिस्टेंट पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए तो आप यूज कर सकते हो। ये पब्लिक आईपी आप किसी भी मशीन के साथ अटैच कर सकते हो और उसको वापस निकाल भी सकते हो। तो ये एक सर्विस है इलास्टिक आईपी वाली। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के तरफ जाते हैं। टाइप ऑफ टेनेंसी जो हम लोगों ने देखा था, टाइप ऑफ टेनेंसी जब हम लोग मशीन लॉन्च कर रहे थे उस टाइम में हम लोगों ने टेनेंसी देखा था।
यहाँ पे इसी डैशबोर्ड के तरफ में आके मैं एक बार फिर से आपको लॉन्च इंस्टेंस करके दिखाता हूँ। हाँ, ये जो हम लोगों ने ऑप्शन देखा था टाइप ऑफ टेनेंसी, ये क्या होता है? तो इसमें तीन चीजें होती है, एक शेयर्ड, डेडिकेटेड और एक डेडिकेटेड होस्ट। ये क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो शेयर्ड, अभी अभी मैंने क्या किया है, ये शेयर्ड सेलेक्ट करके मेरा EC2 इंस्टेंस जो मैंने बनाया था यहाँ पे इज अ शेयर्ड काइंड ऑफ इंस्टेंस, और ये फ्री टीयर है। फ्री टीयर वाले सारे शेयर्ड में ही होते हैं, शेयर्ड काइंड ऑफ टेनेंसी वाले, टेनेंसी के जो टाइप होते हैं वो शेयर्ड टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों भी इंस्टेंस मैंने बनाया था इज अ शेयर्ड इंस्टेंस, इसकी टेनेंसी है शेयर्ड। तो ये क्या होता है, मल्टीपल कस्टमर। अब ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, मल्टीपल कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर विल शेयर द सेम पीस ऑफ हार्डवेयर इवन दो दे डोंट नो इंटरेक्ट विद ईच अदर। जैसे मैंने एक मशीन बना दिया, किसी दूसरे ने मशीन बना दिया, तीसरे ने बना दिया, तो ऐसे जितने भी कस्टमर्स रहेंगे वो लोग एक ही होस्ट पे रहेंगे लेकिन किसी को किसी के बारे में पता नहीं रहेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं हार्डवेयर, वो लोग शेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो कस्टमर वन था, ठीक है, इसने अपना EC2 इंस्टेंस बनाया, ठीक है, इसने CPU लिया, RAM लिया और डिस्क लिया। उसके बाद में ये जो मशीन है ये कहाँ पे बना, ये फिजिकल होस्ट A में बना। जैसे अभी मेरा मशीन है वो अभी मेरा सपोज ये मशीन होस्ट A पे रहेगा, जैसे ही मैं इसको स्टॉप करूँगा तो क्या होगा, जो AWS है उसको क्या पता कि आप नेक्स्ट टाइम उसको ऑन करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, क्योंकि आपने कोई अप फ्रंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया उनके साथ में, कुछ भी नहीं है, आपने आपने सीधा एक मशीन बनाया और उसको स्टॉप कर दिया। तो AWS को पता नहीं है कि वो आप कब स्टार्ट करोगे, तो आप दो तीन बाद उसको स्टार्ट करोगे या फिर आप उसको टर्मिनेट कर दोगे, तो AWS को तो नहीं पता ना। तो वो क्या करेगा, आपका मशीन शट डाउन करके अलग कर देगा, और जब भी आप उसको स्टार्ट करोगे तो वो मे बी वो सेम मशीन पे स्टार्ट हो, मे बी वो अलग जो फिजिकल मशीन है उस पे स्टार्ट हो, ठीक है। तो अगर मैंने ये स्टॉप किया तो वो यहाँ से खाली हो जाएगा, देखो यहाँ पे खाली दिखा रहा है, और वो किसी जेड होस्ट पे चला गया जब आपने इसको स्टार्ट किया, और वहाँ पे फिर वो सारे डिस्क और रैम और जो भी डिस्क था आपका वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो शेयर्ड काइंड ऑफ इंस्टेंस में ऐसा होता है, ये आपका वर्चुअल मशीन है और ये आपका फिजिकल होस्ट है, AWS का फिजिकल होस्ट है। आपने आपका इंस्टेंस स्टॉप किया तो वो किसी दूसरे AWS फिजिकल होस्ट में बनेगा, तो इसको बोलते हैं शेयर्ड काइंड ऑफ स्टोरेज, शेयर्ड काइंड ऑफ, मतलब वो क्लस्टर में कहीं और से भी रिसोर्स उठा लेता है कोई भी होस्ट से, तो ए पे भी जाके वो बन जाएगा, किसी भी फिजिकल होस्ट में जाकर वो स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज AWS डोंट नो कि वो आप नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करोगे या नहीं करोगे। तो वो क्या करेगा, तब तक के लिए अपना एक जो जिस हार्डवेयर में वो मशीन है, जिन्हें भी EC2 इंस्टेंस है, उसको खाली रखने के लिए वो क्या करेगा, स्पेस बना देगा। स्पेस बनाने के बाद आप जब नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करोगे तो जहां भी जगह खाली रहेगी वहां पे जाके आपका EC2 इंस्टेंस अगेन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। okay. तो ये होता okay. है शेयर्ड काइंड ऑफ टेनेंसी, आप शेयर्ड टेनेंसी में हो। उसके बाद एक ऑप्शन है डेडिकेटेड होस्ट। डेडिकेटेड होस्ट आप यहाँ देख सकते हो, ये इमेज में मैंने दिखाया है, डेडिकेटेड होस्ट में एक पूरा का पूरा हार्डवेयर आपने ले लिया है और उसके अंदर जो भी इंस्टेंस है वो सारे आपके हैं, ठीक है। तो वही ये बोल रहा है, विद अ डेडिकेटेड होस्ट यू परचेस एन एंटायर फिजिकल होस्ट फ्रॉम AWS एंड दैट होस्ट इज बिल्ड टू यू ऑन एन आवरली बेसिस जस्ट लाइक EC2 इंस्टेंस। जैसे आप एक EC2 इंस्टेंस के पैसे दे रहे थे ऑन डिमांड में, वैसे ही आप पूरे के पूरे होस्ट के पैसे दोगे पर आवर के हिसाब से, ठीक है। और उसके अंदर आप आपके नंबर ऑफ EC2 होस्ट बना सकते हो। बट व्हाट द केस यू आर गोइंग फॉर डेडिकेटेड होस्ट, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास में कम से कम 60,000 से 8,000 से 10,000 इंस्टेंसेस बनने वाले हैं, तो उस केस में आप ऐसे क्यों बनाओगे कि एक यहाँ बनाओगे एक वहाँ बनाओ, आप क्या करोगे एक पूरा का पूरा होस्ट ले लोगे और उसके अंदर आपके सारे EC2 इंस्टेंस बनाओगे, ताकि आपका जो प्राइसिंग है वो कम हो, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हो वो अच्छा बन सके AWS के साथ में, इसलिए आप डेडिकेटेड होस्ट की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो इसमें वही बोल रहा है, इफ यू अलाउड टू स्पिन अप मेनी EC2 इंस्टेंसेस एज दैट होस्ट विल अलाउ फॉर नो एडिशनल
चार्जेस, कुछ ज़्यादा एडिशनल चार्जेस आपको देने नहीं पड़ेंगे जो आप शेयर्ड में दे रहे थे। उसके बाद में इंस्टेंस, डेडिकेटेड इंस्टेंस, अभी यहाँ पे डेडिकेटेड होस्ट लिया था, आप डेडिकेटेड इंस्टेंस आप ले रहे हो, मतलब ये भी सेम ही है, इसके जैसे ही है, एक ही होस्ट में हो आप, लेकिन सिर्फ आपने एक इंस्टेंस डेडिकेटेड लिया हुआ है, ठीक है। तो विद द डेडिकेटेड इंस्टेंस यू आर स्टिल रिसीविंग द बेनिफिट ऑफ हैविंग सेपरेट होस्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ AWS। यहाँ पे अलग अलग कस्टमर्स के भी हो सकते हैं, तो आप पूरे इस पूरे डेडिकेटेड हार्डवेयर ऑप्शन नहीं दे रहे हो, तो आप सिर्फ अपने EC2 इंस्टेंस का पैसा दे रहे हो और ये आपका डेडिकेटेड है। उसके बाद में अलग अलग कस्टमर्स के भी इंस्टेंस यहाँ पे हो सकते हैं, बट यू आर, यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द कैपेसिटी ऑफ होस्ट, बट यू आर बींग चार्ज हायर रेट फॉर एन इंस्टेंस। तो एज कम्पेयर टू शेयर्ड टेनेंसी यू आर पेइंग मोर फॉर डेडिकेटेड इंस्टेंस, यहाँ पे आप ज़्यादा पैसा दे रहे हो, बट वाई यू आर गोइंग फॉर डेडिकेटेड इंस्टेंस, बिकॉज इन सम केसेस आपको कंप्लायंस का इश्यू आ जाता है, तो इन केस ऑफ कंप्लायंस टू मेंटेन द कंप्लायंस टू मेंटेन द लाइसेंसेस यू आर गोइंग फॉर द डेडिकेटेड इंस्टेंस। तो ये एक तरह का टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जहाँ पे आप, जब आप हाई लेवल पे जाओगे तो आपको कंप्लायंस का मीनिंग समझ में आएगा, तो टू मेंटेन द कंप्लायंस ये लोग डेडिकेटेड होस्ट की तरफ जाते हैं। तो ये समझ में आपको, डेडिकेटेड होस्ट में पूरा का पूरा हार्डवेयर आपका होगा, डेडिकेटेड इंस्टेंस में एक पर्टिकुलर इंस्टेंस आपका हमेशा इस होस्ट पे रहेगा, और डिफॉल्ट टेनेंसी जो होती है वो शेयर्ड होती है, मतलब आपका इंस्टेंस किसी भी होस्ट पे हो सकता है, तो इज अ काइंड ऑफ टेनेंसी। उसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंस्टेंस मेटा डेटा सर्विस। अब ये मेटा डेटा क्या होता है, तो जैसे हम लोगों ने, ये मशीन है मेरा, तो ये चाहना है मेटा डेटा, बट अगेन इफ यू वांटेड टू गेट द इंफॉर्मेशन फॉर द मशीन एंड यू वांट टू यूज दैट इंफॉर्मेशन इनटू योर स्क्रिप्ट वगैरह कुछ बना रहे हो, और उस केस में आपको डिटेल चाहिए, तो उस केस में आप वो यूज कर सकते हो। तो जैसे कि ये मशीन में मैं कनेक्टेड हूँ, ये वाला मेरा कौन सा मशीन है, प्राइवेट मशीन है ये वाला, इस मशीन में मैं भी कनेक्टेड हूँ, ये वाले मशीन में मैं भी कनेक्टेड हूँ, ये इसका DNS नेम, DNS सर्विस चल रही है, ये इसका DNS नेम है, ये इसका IP है, तो ये वाले मशीन में मैं भी कनेक्टेड हूँ, ठीक है, इज अ प्राइवेट मशीन। अब इस मशीन की अगर मुझे फुल इंफॉर्मेशन देखनी है तो उसको बोलते हैं मेटा डेटा। मेटा डेटा मीन्स द डेटा अबाउट द डेटा, दिस इज द डेटा ऑफ मशीन, बट इसका अगेन कोई एक फाइल है जो उसका भी डेटा मेंटेन कर रही है, तो उसको बोलते हैं मेटा डेटा। तो इंस्टेंस मेटा डेटा इज डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल जैसे होस्ट नेम है, इवेंट्स है, सिक्योरिटी ग्रुप क्या है उस मशीन का, ये, और इसको देखने के लिए जो कमांड है वो ये है, तो इसको हम लोग कर्ल के साथ में इसका इसको चला सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे चलाता हूँ कमांड कर्ल, आपको करना है फिर उसके बाद HTTP लेना है, और ये वाला जो IP ये इज अ डेडिकेटेड IP, ये सारे मशीन पे सेम IP एड्रेस आप यूज करोगे, ये वाला जो IP एड्रेस रहता है, ये IP एड्रेस मशीन की सेल्फ इंफॉर्मेशन रखता है, तो यही IP आपको हर जगह यूज करना है, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे लिखना है आपको लेटेस्ट मेटा डेटा, ठीक है, तो मैं जैसे एंटर करूंगा रिस्पॉन्डिंग वेरी स्लो, सॉरी यहाँ गलती हो गई है, 254 है यहाँ पे, 69254, ओके। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे इसने क्या किया, AMI ID लिखा है, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है, तो वो वैल्यू कैसे आपको चेक करना है, यहाँ पे डालना है और यहाँ पे फिर AMI ID आपको टाइप करना है, जैसे आप टाइप करोगे तो फिर ये आपको AMI ID यहाँ पे बता देगा, तो ये AMI ID आप स्क्रिप्ट में आपको यूज करना है तो उस केस में आप यूज कर सकते हैं। लोकल होस्ट ने मुझे अगर चेक करना है तो कैसे करना होगा मुझे, AMI ID की जगह लोकल होस्ट डालना है, और मैं जैसे एंटर मारूंगा ये मेरा लोकल होस्ट का नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दिस इज कॉल्ड मेटा डेटा, इंस्टेंस मेटा डेटा कैसे चेक करना है वो
सर्विस है जो आप यूज कर सकते हो। तो ये डेमो भी हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद लॉन्च करेंगे। तो लेट्स गो टू लॉन्च विंडोज इंस्टेंस। अभी तक हमने दो हमारे लिनक्स इंस्टेंस लॉन्च किया, अब हम लोग विंडोज इंस्टेंस लॉन्च करेंगे और उसको कैसे कनेक्ट करते वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो क्या करना है आपको, ISO लेना है, आपको AMI सेलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले कि आपको क्या इंस्टॉल करना है। तो मैं फ्री टियर वाला एक विंडोज सर्वर 2019 ले लेता हूँ। इसका AMI ID ये है, वर्चुअलाइजेशन इसका HVM है, ये मैं सेलेक्ट करता हूँ। और हाँ, ये जो मेरा वर्चुअल मशीन था, जो इसमें मैं LSVL के वाला कमांड अगर चलाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये LSVL के कमांड में ये जो मेरा पार्टीशन बना है, ये पार्टीशन बना है 10 GB का, और ये रूट पार्टीशन। तो आप देख सकते हो ये मेरा EBS है, यहाँ पे मैं जो भी सेव करूँगा इस पार्टीशन के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। और इसका मैं आपको बताता हूँ आगे। तो पहले हम लोग विंडोज इंस्टेंस बना लेते हैं। विंडोज इंस्टेंस हम लोग सेम VPC में बनाएंगे, इसको भी मैं इस पब्लिक वाले सबनेट में रखता हूँ, 1B के अंदर पब्लिक सबनेट में ही रखूंगा इसको, और ऑटो असाइन पब्लिक IP इनेबल रखूंगा। बाकी सारा जो ऑप्शन है शेयर्ड इंस्टेंस भी वही रखूंगा। उसके बाद में जा रहा हूँ स्टोरेज की तरफ में। स्टोरेज इसमें बाय डिफॉल्ट 30 रहता है, 30 GB तक फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यूज़ करो। उसके बाद टैग में जाओ, टैग यहाँ पे ऐड करो, नेम यहाँ पे लिखो, पब्लिक विंडो लिखता हूँ यहाँ पे मैं विंडो, और सिक्योरिटी ग्रुप की तरफ आता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप ये बना रहा है, और यहाँ पे हम लोगों को कौन सा प्रोटोकॉल इनेबल रखना है, हमें RDP वाला सर्विस यहाँ पे इनेबल रखना है। प्रोटोकॉल आएगा TCP और उसका जो पोर्ट रेंज होगा 3389 ये बोल रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट उसने ले लिया, बिकॉज इसी पोर्ट के थ्रू, इसी सर्विस के थ्रू हम लोग विंडोज मशीन पे लॉग इन करेंगे। जब हम लिनक्स मशीन बनाते थे तो यहाँ पे SSH आता था, लेकिन यहाँ पे RDP आया है 3389 बाय डिफॉल्ट। ये हम लोग नया एक सिक्योरिटी ग्रुप बना लेते हैं, और इसको बोलते हैं रिव्यू एंड लॉन्च। ये इसका रिव्यू है, मैं लॉन्च करता हूँ। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप आप की पेयर आपको यूज़ करना है, तो मैं सेम EC2 वाला यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसके लिए भी आपको की पेयर की जरूरत पड़ेगी, विंडोज मशीन बनाने के लिए भी पड़ेगी। ये मेरा पब्लिक विन मशीन बन रहा है, ये मेरा विंडोज मशीन है, ये भी T2 माइक्रो टाइप का ही मशीन है, ठीक है। बट इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल रहा हूँ वो विंडोज डाल रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी इंस्टेंस टाइप है वो मेरे T2 माइक्रो है, मतलब हार्डवेयर मेरा सेम है, लेकिन जो उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल रहा हूँ वो अब विंडोज डाल रहा हूँ। मैं Ubuntu डाल सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने विंडोज डाला अभी T2 माइक्रो, सेम मशीन के ऊपर में मैंने विंडोज मशीन डाला, ये उसकी सारी डिटेल है। अब ये मेरा मशीन रनिंग में आ गया, ठीक है। अब मुझे इसको कनेक्ट कैसे करना है, मुझे इसका RDP लेना पड़ेगा। तो ये मैं कनेक्ट में अगर मैं जाता हूँ तो ये क्या बोल रहा है, डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल। तो ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, डेस्कटॉप में मैंने ये फाइल बन जाएगी RDP, ये जैसा है ना ऐसे सिंबल बन जाएगा यहाँ पे। अब ये इसको हम लोग को बोलना है गेट पासवर्ड, इसका डिफॉल्ट यूजर नेम है एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। इसका गेट पासवर्ड मैं करूँगा तो वो क्या बोलेगा, पासवर्ड नॉट अवेलेबल, कुछ 4 मिनट के बाद वो लॉन्च होता है ये मशीन। थोड़ा लॉन्च होने में टाइम लगता है विंडोज मशीन को, तो तब तक हम लोग देख लेते हैं कि वो जो मेरा लॉन्च हुआ है, जो मेरा फाइल सेव हुआ है वो ये है, ये मेरा RDP फाइल है। जब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा और कनेक्ट बोलूँगा तो वो ऑटोमेटिक इस पब्लिक IP को ले लेगा, ऑटोमेटिक एडमिनिस्ट्रेटर ले लेगा। अब मुझे पासवर्ड की ज़रूरत है, तो पासवर्ड के लिए मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज इट टेकिंग टाइम। तो इसकी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो, मैंने इसको पब्लिक सबनेट में ही बनाया है, सेम VPC में है ये भी मशीन। इसका जो IP रेंज था वो 4 से स्टार्ट हुआ है, और नया
ही बनाया है, ब्लॉक डिवाइस हमारा SDA1 ही है, ठीक है। अब ये इनिशियलाइज हो रहा है, लेट्स ट्राई, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, गेट पासवर्ड, तो पासवर्ड के लिए उसने क्या बोला मुझे कि वो जो जिस की पेयर से आपने बनाया था पासवर्ड वही की पेयर यहाँ पे अटैच करो। तो मैं की पेयर यहाँ पे अटैच करता हूँ, मेरा की पेयर क्या था, EC2 की, ठीक है। तो मुझे पैम फाइल यहाँ पे अटैच करनी है, मुझे प्राइवेट की नहीं डालनी, पेम फाइल यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। पेम फाइल में जैसे ही करूँगा तो ये मुझे एक प्राइवेट की दे देगा, बट मुझे प्राइवेट की नहीं चाहिए, मुझे पासवर्ड डिक्रिप्ट करके चाहिए। तो ये पासवर्ड यहाँ पे आ गया, ये पासवर्ड आपको लेना है और यहाँ पे डालना है, ये पासवर्ड आप स्टोर कर लो और हर बार यही पासवर्ड से आप कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मेरा मशीन कनेक्ट हो रहा है, ये मैं मेरे विंडोज मशीन पे लॉग इन हो गया और ये नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मुझे पूछ रहा है। अब जब ये विंडोज मशीन लोड हो जाएगा अच्छे से तो यहाँ पे इसका मेटा डेटा आ जाएगा। जैसे मेटा डेटा हम लोग लिनक्स मशीन पे कर्ल करके करके कर्ल कमांड यूज करके चेक कर रहे थे, वैसे यहाँ पे एक मेटा डेटा इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएगी साइड में। मशीन काफी स्लो है, इसे कनेक्ट करता हूँ। तो ये हमारा विंडोज सर्वर 2019 है, इसका रैम आप देख सकते हो, और ये जो होस्ट का नाम है, कंप्यूटर नेम, ये इसको ऑटो असाइन होता है, ये आप चेंज कर सकते हो। और विंडोज इज एक्टिवेटेड यहाँ पे दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलती है। विंडोज आपको एक्टिवेटेड मिल रहा है यहाँ पे, या मेटा डेटा अभी तक लोड नहीं हुआ है, यहाँ पे लोड होके इसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है, होस्ट नेम वगैरह सारा डिटेल यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। तो ये था हमारा विंडोज मशीन, मैं बात कर रहा हूँ, आप खुद बना के देखिए, आपके AWS एनवायरनमेंट में आप बनाइए और चेक करिए। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं, उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है इंस्टेंस परचेसिंग ऑप्शन, कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है इंस्टेंस EC2 इंस्टेंस को खरीदने के लिए, ठीक है। तो Amazon EC2 provides the following purchasing options to enable you to optimize your cost based on your need. तो जैसी आपकी need रहेगी उस हिसाब से आप आपके EC2 instance को purchase कर सकते हो।
पहला वाला जो ऑप्शन है ऑन डिमांड इंस्टेंस, जो अभी तक हम लोग EC2 में काम कर रहे थे, दैट इज ऑन डिमांड। आप अपने हिसाब से EC2 इंस्टेंस बनाओ, उसको यूज करो, जब मर्जी कर रही है आप उसको डिलीट कर दो, तो जितना आपने यूज किया है सिर्फ उतना ही कॉस्ट आपको पे करना होगा। और अगर आपने फ्री टियर में अगर अकाउंट बनाया है, आपका अकाउंट अभी भी फ्री टियर में है, तो कुछ 750 आवर्स आपको फ्री मिलते हैं। तो मैंने जो अभी मशीन बनाया हुआ है वो फ्री टियर में, तो उसके मुझे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर मैं उसको 750 आवर्स के पहले अगर डिलीट कर देता हूँ पर मंथ, तो मुझे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। बट अगर नहीं है उसके ऊपर बियॉन्ड 750 आवर्स, मुझे उसको पे करना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड ऑन डिमांड इंस्टेंस, ठीक है। तो सेकंड कैटेगरी, अभी ऑन डिमांड इंस्टेंस में जो भी प्राइसिंग होगी वो प्राइसिंग आपको पे करना होगा। उसके लिए आप उसका प्राइसिंग सेक्शन AWS के डॉक्यूमेंट में जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद में रिजर्व इंस्टेंस जो होता है, यू गेट द सेम इंस्टेंस हार्डवेयर बट यू पे एज लेस, ठीक है, आप कम पे कर रहे हो। यू मेक सम फॉर्म ऑफ कमिटमेंट एट द बिगिनिंग एंड देन यू गेट द पे फॉर द इंस्टेंस एट अ डिस्काउंटेड रेट। तो रिजल्ट में क्या होगा, जैसे कि कोई आपका प्रोजेक्ट आपके पास में आया है और वो प्रोजेक्ट आपका कम से कम एक साल तो आपके साथ रहेगा, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि मैं एक साल ये मशीन रनिंग रख सकता हूँ, या फिर मुझे 3 साल कम से कम ये मशीन को रनिंग रखना है, तो मैं उसमें कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ और वो 3 साल तक मैं उसको यूज़ करने ही वाला हूँ, बिकॉज मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर के साथ हुआ है वो 3 साल का हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, रिजर्व इंस्टेंस के तरफ जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं रिजर्व इंस्टेंस के तरफ जाता हूँ तो मुझे जो पेमेंट करना होता है वो डिस्काउंटेड रेट में मिलता है, बिकॉज मैं 1 साल यूज़ करने ही वाला हूँ उस सर्विस को, तो मैं ऑन डिमांड के अपेक्षा वो मुझे कम चार्जेस लेगा। तो उसके लिए भी 3 ऑप्शंस देता है AWS आपको। अप फ्रंट मतलब पूरा का पूरा पैसा एक साथ आप पे करते हो तो आपको बहुत ही सस्ता पड़ता है, लेकिन उसमें एक और ऑप्शन है, जैसे कि आप आधा पैसा अभी दो आधा बाद में देना, तो उसमें थोड़ा और मतलब कम प्रॉफिट मिलेगा। और एक ऑप्शन होता है कि आप पैसे देते रहो और यूज़ करते रहो, तो वो एक ऑप्शन होता है। तो फुल अप फ्रंट, पार्शियल अप फ्रंट, ऐसे उसके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो 1 ईयर, 3 ईयर, जितना ज़्यादा ईयर जाओगे, जितना ज़्यादा जल्दी पैसा दे दोगे उस हिसाब से आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलता है एज कम्पेयर टू ऑन डिमांड इंस्टेंस। उसके बाद में एक स्पॉट इंस्टेंस होता है। तो स्पॉट इंस्टेंस क्या होता है, स्पॉट इंस्टेंस इज एन अनयूजुअल EC2 इंस्टेंस दैट इज अवेलेबल फॉर लेस देन अ ऑन डिमांड प्राइस, ठीक है, ऑन डिमांड प्राइस से सस्ता ही होता है, बिकॉज स्पॉट इंस्टेंस इनेबल यू टू रिक्वेस्ट अनयूज्ड EC2 इंस्टेंस एट अ स्टीप डिस्काउंट, यू कैन लोअर योर EC2 कॉस्ट सिग्निफिकेंटली, द आवर प्राइस फॉर स्पॉट इंस्टेंस इज कॉल्ड स्पॉट प्राइस, ठीक है। तो इसके लिए हमें बिडिंग करनी होती है, स्पॉट इंस्टेंस के लिए बिडिंग करनी होती है। सपोज आपका कोई रिसर्च वर्क है और कोई R&D करनी है आपको, आप ये श्योर हो कि मेरा अगर इसमें कोई डेटा अगर डिलीट भी हो जाता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मुझे हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन चाहिए ताकि मैं कुछ R&D कर लूँ, उसके लिए आप क्या करोगे, एक स्पॉट इंस्टेंस की तरफ जाओगे। आप उस मशीन के लिए आप बिडिंग करोगे, उतना प्राइस, उसके लिए बिडिंग के लिए आप प्राइस सेट करोगे, जैसे वो प्राइस मीट होता है वो मशीन आपके पास आ जाता है और आप आपका R&D वर्क उसमें चालू कर दो, बिकॉज आपके पास में बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है, वो अच्छे कॉन्फ़िगरेशन में आप जो भी R&D वर्क करना है करो। लेकिन जब ये कंडीशन आएगी कि कोई दूसरा कस्टमर AWS को आपसे ज़्यादा पेमेंट करना चालू कर देता है, तो उस केस में क्या होता है, ये मशीन तुरंत शटडाउन होती है विद इन एक घंटे या कुछ मिनट्स के अंदर में, वो आपको अलाउ करता है कि आप आपका जो भी काम है वो नोटिफिकेशन आपको देगा और उसके बाद में वो मशीन शटडाउन होगा और वो मशीन उसके पास चले जाएगी, तो आपका जो भी डेटा था सब वहाँ चला जाएगा। तो ये जो स्पॉट इंस्टेंस रहता है ये उसी केस में यूज़ होता है जिस केस में आप कुछ R&D वगैरह कर रहे हो, आपको कुछ डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो टाइम में आप स्पॉट इंस्टेंस यूज़ करो और छोड़ दो। इट डिपेंड ऑन द कंडीशन, कौन सी कंडीशन में आप इसको यूज़ करना चाहते हो। तो बट इसकी कंडीशन यही है कि आपका जब भी कोई ज़्यादा पैसे इस इंस्टेंस के लिए देगा तो ये इंस्टेंस आपके पास से चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्पॉट इंस्टेंस। तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है डेडिकेटेड होस्ट, जो मैंने आप लोग को अभी एक्सप्लेन किया, आप पूरा का पूरा डेडिकेटेड होस्ट ले लेते हो और उसके ऊपर आपके EC2 इंस्टेंस बनाते हो, या फिर डेडिकेटेड इंस्टेंस, एक इंस्टेंस आपका पर्टिकुलर है वो उस पर ही आप काम करोगे और आपको पूरे के पूरे डेडिकेटेड होस्ट को के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है,
आप डेडिकेटेड रेजिस्टेंस ले लो और उस पे आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हो। तो ये परचेसिंग ऑप्शंस अवेलेबल है EC2 इंस्टेंस के लिए। आप आपके रिक्वायरमेंट आपके कॉस्ट सेविंग के हिसाब से आप ये ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हो। और जो हमारा लास्ट का जो सेशन है वो है स्टॉपिंग एंड टर्मिनेटिंग द इंस्टेंस। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। हम लोग क्या करेंगे, अभी जो भी इंस्टेंस हम लोग ने बनाया था वो इंस्टेंस हम लोग डिलीट कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। तो ये जो मेरा अभी मशीन बना है इसको एक पब्लिक आईपी में, तो मैं अगर इसको स्टॉप करूँगा, इसमें जो स्टेट है ये है स्टॉप करने का, हाइबरनेट करके रख देने का, और एक रिबूट करने का, और टर्मिनेट करना, टर्मिनेट मतलब डिलीट कर देना। जैसे आप टर्मिनेट करते हो आपका जो भी आवरली प्राइसिंग का वो कैलकुलेट हो जाएगा प्रो रेटा बेसिस पे, और आपका जो मशीन है वो टर्मिनेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। स्टॉप में भी अगर आप स्टॉप कर देते हो मशीन को तो आपका प्राइसिंग स्टॉप हो जाएगा, आपको पैसे नहीं देने, बट मशीन वहाँ पे रहेगा, लेकिन उसका जो पब्लिक आईपी है वो चेंज हो जाएगा। जो भी डेटा इसके अंदर है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा, लेकिन टर्मिनेट में आपका डेटा और मशीन सब चला जाएगा। तो स्टॉप करना मतलब शट डाउन करके रखना, टर्मिनेट मतलब मशीन को डिलीट कर देना। तो यहाँ पे आप हम लोग रिबूट नहीं करेंगे, स्टॉप नहीं करेंगे, सीधा हम लोग टर्मिनेट करने वाले हैं। तो मैं ये तीनों मशीन को टर्मिनेट करना है, तीनों मशीन को आप टर्मिनेट कर सकते हो। मैं जैसे टर्मिनेट का बटन दबाऊंगा तो ये मुझे पूछेगा आर यू श्योर वांट टू, यस। हेलो, हाँ, ये अभी हम लोग ये जो स्टॉप कर रहे हैं वो डायरेक्ट वीएम से, मतलब बोलते हैं ना सडन स्टॉप है कि वो शटडाउन ये करता है, कमांड देता है अंदर। वो शटडाउन कमांड देता है, जब स्टॉप करते हैं तो मशीन को शटडाउन कर देता है, ओके, डायरेक्ट पावर कट के मशीन को जैसे नहीं आपका करता। डायरेक्ट पावर कट नहीं करेगा, वो शटडाउन करेगा, मशीन आपका एग्जिस्टिंग रहेगा बट वो पावर ऑफ कंडीशन में रहेगा। ओके ओके, और टर्मिनेट मतलब डिलीट कर देगा, वो आपका वर्चुअल मशीन डिलीट कर देगा और आपके जो भी चार्जेस होंगे वो लगना बंद हो जाएंगे। तो आप यही बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप मशीन बनाओ, किसी काम करना है करो और तुरंत तो उसको स्टॉप कर दो या फिर टर्मिनेट करके रख दो। आप जब मशीन स्टॉप करते हो तो भी आपके जो चार्जेस लगना है वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओके टर्मिनेट कर रहा हूँ। आप मशीन को स्टॉप कर रहे हो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप स्पेस यूज नहीं कर रहे हो। जब आप स्पेस यूज नहीं कर रहे होते हो तो आपको चार्जेस भी नहीं देने पड़ते हैं, तो आप स्टॉप करके रख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा हूँ तो मैं मशीन को डिलीट कर रहा हूँ। तो ये टर्मिनेट होने के लिए कुछ, ये टर्मिनेट तो हो जाएगा, यहाँ यहाँ पे दिखता रहेगा टर्मिनेट, तो ये अभी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको टर्मिनेटेड ऐसे दिखता रहेगा। कुछ आधा पौन घंटे के बाद में ये यहाँ से उड़ जाएंगे मशीन, बट अभी टर्मिनेटेड हम लोगों को ये स्टेट यहाँ पे दिखाई देगा, ताकि जैसे मैंने टर्मिनेट किया है कोई दूसरा यूजर अगर आके देखना चाहता है तो उसको यहाँ पे दिखाई देगा कि टर्मिनेटेड है, इतने मशीन टर्मिनेट हुए हैं, यहाँ पे ये दिखाई देंगे मुझे। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट कंप्यूट इन AWS। ये सारा कुछ AWS में जो भी कंप्यूटर रिलेटेड था वो हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट सेशन जो हम लोग लेंगे दैट विल बी ऑन स्टोरेज इन AWS। ठीक है, तो अभी